गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल राणा पुष्पा प्रियंका सरस्वती विद्या मंदिर नाना मठा से आज मैं करा रहा हूँ प्रश्नावली 5.3 का सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन में दे रखा है उस एपी का प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि एस 22 ज्ञात करना है आपको। साथ ही साथ दे रखा है डी बराबर 7 और 22वां पद यानी कि ए 22 इक्वल टू कितना दे रखा है 149। ठीक हो गया, अब हो जाएगा ए प्लस 21 बी, ए का आता है 149, ए प्लस 21 गुणा 7 बराबर 149, ए प्लस 147 बराबर 149, ए बराबर हो गया 149 माइनस का 147, ए बराबर कितना आ गया 2। अब हमें 22 पदों का योगफल निकालना है, ए और बी हमारे पास आ गए, तो एस एन बराबर एन अपॉन टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह आप रख देंगे 22 क्योंकि 22 का होगा योगफल निकालना है, 2a ये आ गया 2 प्लस 22 माइनस a गुणा डी हो गया आपके पास 7, कट गया 11, 4 प्लस 21 गुणा 7 11, ये हो गया 4 प्लस 147 बराबर 11 गुणा 151, तो क्या 11 कम 11 ए हासिल 55, 156 5 11 5 16 1661 इसका आंसर हो गया। अब है आपका आठवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन में दे रखा है उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, एस 51 निकालना है, इसमें दिया गया है दूसरे और तीसरे पद ए टू दे रखा है आपको 14 और साथ ही साथ ए थ्री बराबर दे रखा है आपका 18। ठीक हो गया, अब यहां से हम ए और डी का मान निकालते हैं, हो गया ए प्लस डी बराबर 14 समीकरण एक, यहां से हो जाएगा ए प्लस 2d बराबर 18 समीकरण दो, क्या लिख देंगे समीकरण एक व समीकरण दो से, ये हो गया आपके पास ए प्लस डी बराबर 14, ये हो गया ए प्लस टू डी बराबर 18 माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल, माइनस का डी बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल, डी बराबर हो गया 4। अब डी का मान समीकरण एक में रखने पर, जब एक पर रखोगे तो ये हो गया ए प्लस डी की जगह आ गया 4 बराबर 14, ए बराबर 14 माइनस 4 बराबर 10, ए और डी के मान आ गए। अब हमें निकालना है एस 22 और एस 51, तो एस 51 बराबर हो गया 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a, a की वैल्यू कितनी आ गई 10 प्लस 51 माइनस का 1 इंटू डी, ये कितना दे रखा है 4, ये हो गया 51 अपॉन 2 ब्रैकेट में, ये हो गया 20 प्लस 50 गुणा 4, ये हो गया 51/2, ये हो गया आपके पास 20 प्लस 200, ये हो गया 51/2 इंटू 220, इसे ये कट गया 110, ये हो गया 51/110 गुणा कर देंगे 0, 11/11 1/55 इस तरह से आपके ये दो क्वेश्चन और हो गए हैं। आप इनका अभ्यास करिएगा, अगली वीडियो में मैं आपको इससे आगे कराऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।